तो आज का हमारा टॉपिक है ओरिएंटल लिलीज के बारे में और ये जो एशियाटिक लिलीज हैं इनके बारे में। तो ये कि थोड़े दिन पहले मैंने जो ओरिएंटल्स लगाए थे ये अभी फ्लावरिंग कर चुके हैं और अब फाइनली अभी फ्लावरिंग करने के बाद अब इन्हें स्टोर करने का टाइम है। तो मैं आज आपके साथ मेथड शेयर करूंगा कि हम अपने प्लांट्स के बल्ब्स को कैसे स्टोर करें जब वो फ्लावरिंग कर जाते हैं, तो उनके बाद आप कैसे स्टोर कर सकते हैं। तो ये मेरे जो ओरिएंटल्स और एशियाटिक्स के बल्ब्स थे तो मैंने इनको अभी स्टोर करने का आपके साथ तरीका शेयर करने जा रहा हूँ। जो हम जो जब भी हम स्टोर करते हैं अपने बल्ब्स तो या तो वो ख़राब हो जाते हैं या तो फिर वो सूख जाते हैं, तो उनके पीछे क्या कारण है, तो मैं आपको ही वही आज अपना मेथड जो मैं है आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो क्या होता है, लोग अपने जो ओरिएंटल्स और एशियाटिक्स लेते हैं तो क्या होता है वो उनको कि नॉर्मल से कोकोपीट्स में रख देते हैं। तो नॉर्मल कोकोपीट रखने से क्या होता है कि जो अरे बल्ब्स होते हैं वो ड्राई अप हो जाते हैं और वो फाइनली ख़राब हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है आपको। तो मैं आज आपके साथ जो मेथड शेयर करने वाला हूँ आप इसकी सहायता से इनको अप टू 5 ईयर्स तक स्टोर कर सकते हैं, उसके बाद आप इन्हें स्टोर नहीं कर सकते। क्योंकि क्या होता है कि हमारे जो बल्ब्स होते हैं उनकी एज होती है वो भी पूरी हो जाती है, तो उनके बाद आप इन्हें स्टोर नहीं कर सकते, पर इस मेथड से आप इनको अप टू 5 ईयर्स तक स्टोर कर सकते हैं। तो चलिए अब ज़्यादा देर ना करते हुए अब हम करते हैं, बताता हूँ मैं आपको। आपको सबसे पहले लेनी है ये ऐसी कोकोपीट। हाँ, आप ड्राई कोकोपीट अगर यूज़ कर रहे हैं तो आप इसे क्या करिए, थोड़ा सा मॉइस्ट कर लीजिए, या तो फिर मार्केट में मॉइस्ट कोकोपीट मिलती है वही अवेलेबल होती है, तो आप मॉइस्ट कोकोपीट भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिए मॉइस्ट कोकोपीट और ये लिए हैं। आपको इनमें यूज़ करना है इस तरीके की पॉलीथीन्स। तो ये वाली पॉलीथीन्स होती है जिप लॉक वाली पॉलीथीन्स होती है, ये वाली पॉलीथीन आपको यूज़ करनी है। तो या तो फिर आपको कोई भी जो मार्केट्स में, जैसे मैंने ये मार्केट में ली हुई है ये जो हम पॉलीथीन जिप लॉक की पॉलीथीन रहती है, तो ये भी आप कोई पॉलीथीन यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आपको इनको बल्ब्स को कैसे स्टोर करना है। तो पहले हम लेंगे यहाँ से कोकोपीट, मॉइस्ट कोकोपीट, और इसको मॉइस्ट कोकोपीट को हम ये जिप लॉक वाली जो पॉलीथीन्स होती है इनमें थोड़ा सा मॉइस्ट कोकोपीट डालेंगे। आपको मॉइस्ट कोकोपीट डाल देना है अच्छे से। तो आप देख सकते हैं मैंने इसमें मॉइस्ट कोकोपीट डाल दी है। इन्हीं मॉइस्ट कोकोपीट में मैं अपने बल्ब्स हैं इनमें आप चाहे तो फंगीसाइड यूज़ कर सकते हैं। अगर आप फंगीसाइड ना भी यूज़ करें तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको इसे पहले क्लीन कर लेना है, अपना जो बल्ब्स है उसको हमेशा क्लीन करना है, देन इसको रख देना है आपको ऐसे ही। ऐसे ही मैं जितने भी बल्ब्स हैं, आज चाहे तो आप इनके ऊपर की जो रूट्स हैं ये भी हटा सकते हैं, पर ये ऑप्शनल है, कोई आपको अगर नहीं हटाना है तो आप नहीं हटा सकते हैं, यह आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ऐसे ही मैं अपने और ये ओरिएंटल्स कुछ और भी हैं इन्हें भी ऐसे डाल दूंगा। देन अगेन इसके ऊपर मैं थोड़ी सी कोकोपीट डाल दूंगा। अब आप देख सकते हैं मैंने अच्छे से कोकोपीट में डाल दी है। आप इसको जो ऊपर वाला जिप लॉक है इसको आप अच्छे से जिप लॉक कर दीजिए।
अगर आप जिप लॉक नहीं करेंगे तो मॉइस्चर इवोपरेट हो जाएगा और आपके बल्ब्स ख़राब हो जाएंगे। तो देखिए आप, मैंने कितने अच्छे से जिप लॉक कर दिया है। अब हमारा ये जो बल्ब्स हैं वो रेडी है स्टोर करने के लिए। आप ऐसे इनको भी स्टोर कर सकते हैं। मैंने आपको दिखाता हूँ मैं कि मैंने पहले भी कुछ स्टोर कर रखे हैं ऐसे ही। आप जो मार्केट्स में जो जिप लॉक वाली पॉलीथीन आती है ना, तो आप इनको यूज़ कीजिए। इसमें क्या मॉइस्चर लॉक हो जाता है, तो आप ये वाली पॉलीथीन यूज़ कीजिए। ऐसे ही अब हमारे जो और भी बल्ब्स हैं आप उनको स्टोर कर सकते हैं इसी माध्यम से। आप देख सकते हैं मैंने कितने अच्छे से स्टोर कर लिए हैं। आप इसी तरीके से आप इसको क्या करिए, आप जो फ्रिज का जो रेफ्रिजरेटर होता है, फ्रीज़र नहीं, फ्रीज़र में कभी रखना नहीं है, रेफ्रिजरेटर में आप इसको फ्रिज में रख सकते हैं अप टू 5 ईयर्स तक। आपके 5 ईयर्स तक बल्ब्स ख़राब नहीं होंगे। आप जब विंटर आए तो आप इसको अगेन यूज़ करिए और मार्केट से कोई परचेज़ करने का ज़रूरत है नहीं। आप इन्हीं से कर सकते हैं आपका जो बल्ब स्टोरेज। तो हमारा आज का ये टॉपिक यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। तो मैं लेता हूँ आपसे विदा। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर इन्फॉर्मेशन वीडियोस। मैं आपके ऐसी इन्फॉर्मेशन वीडियोस लाते रहूँगा। तब तक के लिए बाय।